नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, राजनीति का रोज नामचा। हम बात करेंगे उस जनसंघ की, जिस जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुनने लोग दूर दूर से आते थे, न भीड़ जुटाई जाती थी न भीड़ बुलाई जाती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदला है। स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने जब भारतीय जनता पार्टी में दस्तक दी तो एक शब्द छोड़ा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट माने व्यवस्था, व्यवस्था माने अर्थबल, अर्थबल माने पैसा। तो कुल लिहाज से मैनेजमेंट का अगर मतलब निकाला जाए तो ये पैसा है, पैसे से भीड़ जुटाना, पैसे से विज्ञापन देना और तमाम तामझाम करना। लेकिन इससे अलग अगर कोई चीज लोकतंत्र में है तो वो है लोकप्रियता। हम बात कर रहे हैं सागर लोकसभा क्षेत्र की और बात कर रहे हैं उसी मैनेजमेंट और लोकप्रियता की। तो मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाने वाले एक नेता जिनके आधार पर सागर लोकसभा का टिकट राज बहादुर सिंह को मिला है, वो लगातार उस लोकप्रियता का अपमान कर रहे हैं जो 8 बार बुंदेलखंड की धरती पर दस्तक देता है और चुनाव जीतता है। वहां मैनेजमेंट काम नहीं करता, वहां ये काम करता है कि वो कितना जनता के दिल में। वो गोपाल भार्गव लगातार 8 बार रेहली की धरती से चुनाव जीतते हैं क्योंकि वो लोगों के दिल में रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उसी मैनेजमेंट और लोकप्रियता की कि वो जनसंघी अंदाज में नेतागिरी करते हैं और यह स्वर्गीय प्रमोद महाजन की स्टाइल में नेतागिरी करते हैं। तो मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है कि तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुलजा है, तू मशीन नहीं। तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। देश में चुनाव है और भाजपा और कांग्रेस अपनी शैली में जनता के बीच वोट मांगने जा रही है। अन्य दल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन चुनाव में कांग्रेस मैनेजमेंट से नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर अपनी बात कह रही है। तो भाजपा को मैनेजमेंट का बुखार चढ़ा है, उसे लगता है कि लोकप्रियता आधारहीन है, मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र की, जहां लगातार भाजपा गुटबाजी का शिकार हो रही है। बड़े बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, उनमें एक नेता गोपाल भार्गव भी शामिल है। गोपाल भार्गव का लगातार फोटो फ्लेक्स से बाहर कर देना, उनकी बिना सलाह लिए रणनीति तैयार करना, उन्हें बैठकों और कार्यक्रमों की सूचना नहीं देना। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री की सभा से पहले यह गुटबाजी उस वक्त तेज हो गई जब मैनेजमेंट और लोकप्रियता आमने सामने आ गई, जब मुख्य पोस्टर से फोटो गायब होना, फिर हल्ला मचा, खिलाफ में माहौल बना और आला कमान से ऊपर से फटकार लगी तो फिर आनंद फानंद में भार्गव का फोटो मुख्य पोस्टर पर लगाया गया। असल में भाजपा के राज बहादुर सिंह चुनाव मैदान में है, चेहरा साफ सुथरा है, लेकिन असलियत में चुनाव भूपेंद्र सिंह लड़ रहे हैं। सारी कमान और सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, मैनेजमेंट के अनुसार बैठकें और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी में रही है। अपने ही गुट के लोगों को आगे कर दूसरे नेताओं और समर्थकों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में लगातार सागर लोकसभा की एक धड़े की भाजपा नेता प्रतिपक्ष का बार बार अपमान कर रही है। दादा लक्ष्मी नारायण यादव को तो यह धड़ा नेता ही नहीं मानता, उसे पूर्व विधायक पारुल साहू की भी जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट जो है। राजन सिंह मोकलपुर को सिर्फ सुर्खी में ले जाकर उनकी फोटो खिंचवाना मैनेजमेंट है। गोपाल भार्गव की तौहीन करना मैनेजमेंट है। पार्टी की गाइडलाइन से नहीं बल्कि अपनी जिद से काम करना मैनेजमेंट है। किसी मैनेजमेंट के चक्कर में पार्टी लोकसभा में हाशिए पर आ गई है। जो नेता 8 बार चुनाव जीतता है उसकी लोकप्रियता के कोई मायने नहीं बल्कि मैनेजमेंट के मायने ही मायने हैं।
इन नेताओं को कौन समझाए। देश और प्रदेश के साथ सागर लोकसभा की सीट मैनेजमेंट से नहीं बल्कि लोकप्रियता से ही जीती जा सकती है। मोदी ना होते तो सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाता। मोदी की लोकप्रियता का उपयोग किया जा रहा है लेकिन भार्गव की लोकप्रियता को दरकिनार करने का षड्यंत्र जारी है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि चुनाव पैसे से नहीं बल्कि लोकप्रियता से जीते जाते हैं और इस क्षेत्र में भाजपा के पाले से अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो है गोपाल कृष्ण भार्गव। अगर पूरे चुनाव तक भार्गव इस लोकसभा से दूर रहे तो भाजपा इस सीट पर मुश्किलों में जरूर आ सकती है। नफीस खान के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।